गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम क्लास 6 चैप्टर 12 पेज नंबर 248 का ट्राई दिस करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 52 क्वेश्चन है, तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द नोटबुक्स एंड टू द नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग। तो हमें नोटबुक्स और बुक्स का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर आप अपना देख के खुद करेंगे, मैं एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ नोटबुक्स इज इक्वल टू 12 एंड नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो इज इक्वल टू 12/8। तो हम इसे काटेंगे, टू से क्या काटेंगे, 2 6 12, 2 4 8, फिर से हम काटेंगे, 2 3 6, 2 2 4। तो ये आ रहा है 3/2 इज इक्वल टू 3:2। तो इसका आंसर आ रहा है 3:2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पर बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेस्क एंड चेयर्स इन योर क्लासरूम। तो हमें डेस्क और चेयर का रेशियो निकालना है, आपके क्लास में कितना है आप गिन के करेंगे। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ। तो आपका सोच लीजिए 40 चेयर्स, नंबर ऑफ डेस्क इज इक्वल टू 40 एंड नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो इज इक्वल टू 40/40, 0 से 0 कटा, 4 1 4 4 1 4 इज इक्वल टू 1/1। तो इसका रेशियो निकल रहा है 1:1। तो इसका आंसर 1:1 निकल रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 12 इयर्स ऑफ एज इन योर क्लास, दैट फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स विद एज अबव 12 इयर्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम करेंगे, पहले हम टोटल स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, मैं ले ले रही हूँ 47। उसके बाद हम 12 इयर्स वाले, तो अबव 12 इयर्स स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25 एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 22। तो अभी हमें इसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो इज इक्वल टू 25/22। तो ये किसी भी टेबल से ऐसे कटेगा नहीं, तो इसका 25:22 ही होगा। तो इसका आंसर निकल गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ डोर्स एंड द नंबर ऑफ विंडोज इन योर क्लासरूम। तो हमें डोर्स और विंडोज का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डोर्स इज इक्वल टू 2 एंड विंडोज इज इक्वल टू 8।
तो अभी हम इसका रेशियो निकालेंगे. रेशियो इज इक्वल टू 2/8. तो ये हो गया, 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 4 8, तो 1/4. तो ये हो गया 1:4. तो इसका आंसर आ रहा है 1:. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, जो एनी रेक्टेंगल एंड फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेथ. तो हमें एक रेक्टेंगल लेना है और उसका लेंथ से ब्रेथ का रेशियो निकालना है. तो पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. इसका लेंथ में ले ले रही हूँ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर. तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 4 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2. तो अभी हम इसका रेशियो निकालेंगे. रेशियो इज इक्वल टू, ये हो रहा है आपका 4/2. तो हम इसे 2 टेबल से काटेंगे, 2 2 4, 2 1 2, तो 2/1, ये हो गया आपका 2:1. तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 2:1. तो यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन आपको एग्जांपल देके समझाई हूँ, आपको खुद ही सभी क्वेश्चन आपको करना है. तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पर बताई हूँ. तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा. थैंक यू.